नमस्कार दोस्तों, मुंबई के चेंबूर इलाके से एक शर्मनाक घटना सामने आ रही है। एक रिक्शा चालक द्वारा स्कूली छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। इस मामले में मुंबई की चेंबूर पुलिस ने अज्ञात रिक्शा चालक के खिलाफ बीएनएस की धारा और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक यह घटना 22 जुलाई से 13 सितंबर के बीच का है। बताया जा रहा है कि नाबालिग पीड़िता अपने परिवार के साथ कुर्ला में रहती है और चेंबूर के एक स्कूल में पढ़ती है। छात्रा ने स्कूल जाने के लिए रिक्शा पकड़ा था, लेकिन रिक्शा चालक ने उसे अकेली देखकर फायदा उठाया और चेंबूर नाका के पास एक सुनसान इमारत में ले गया, जहां उसने छात्रा के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। छात्रा ने विरोध किया तो आरोपी ने धमकी दी, अगर किसी को घटना के बारे में बताया तो वह उसे जान से मार देगा। घटना से छात्रा काफी डर गई थी, लेकिन जब माँ ने उसके व्यवहार में बदलाव देखा तो उसने भरोसे से लेकर उससे पूछा तो छात्रा ने पूरी माँ को बात बताई, जिसके बाद पीड़ित छात्रा की माँ नजदीकी चेंबूर पुलिस स्टेशन पहुंची और आरोपी रिक्शा चालक खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल दोस्तों, अभी तक आरोपी रिक्शा चालक की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, देख सकते हैं कैसे एक रिक्शा चालक मुंबई के चेंबूर में हैवानियत की सारी हदें पार कर गया। आप देख रहे हैं सबकी ताज़ा खबर। मुंबई की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एसपी अपडेट। थैंक यू।